दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जेंट्स कुर्ते की पूरी कंप्लीट स्टिचिंग करना बताएंगे, खर्चा चिपाने से लेकर पूरा बनाना बताएंगे आपको, एक एक पॉइंट अच्छे से बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये मैंने कैसे बना रखा है कुर्ते को। ये देखिए दोस्तों, कफ ऐसे लगाए हुए हैं और इस तरीके से तावीज़ पट्टी और कॉलर है इस पर, और ऐसे फ्रंट में गोल पॉकेट है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रेस भी कर रखा है, ये भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से आपको बताएंगे इसको स्टिच करना। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी कटिंग की हुई है और इसका ये खर्चा है, ये बाजू पट्टी कॉलर और ये सामने की पट्टी और कफ और ये बैन और ये टुकड़ियाँ। तो दोस्तों ये इसकी स्लीव है। तो दोस्तों किसी को कटिंग देखनी हो तो वो भी आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको जो कुर्ते की सीधी साइड होती है उसके राइट हैंड साइड वाली साइड में दो सूत कम रहता है, दूसरी साइड में दो सूत ज़्यादा कटते हैं सामने की ताबीज़ पट्टी के लिए, और इसको लगभग दोस्तों अपने 12.5 इंच तक कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये काम इतना करने के बाद में अपने खर्चा लगाएंगे अब इसका। तो खर्चा देखिए किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कपड़े को साफ़ कर लेता हूँ और इसके बाद में मैं सबसे पहले कुर्ते की पॉकेट्स कटिंग करूँगा। तो दोस्तों क्या होता है कि मैं कुर्ते की कटिंग करता हूँ तो इसमें पॉकेट नहीं कटिंग करके देता, वो खुद से कटिंग बाद में करना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने 19 इंच कपड़े को ऐसे सीधा कर लिया और कट कर लिया है। अब दोस्तों 7 इंच चौड़ा मार्का किया और 7 इंच चौड़ा यहाँ पे पॉकेट कट लूँगा। तो इस तरीके से 7 इंच पे कटिंग कर लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 7 इंच चौड़ा कट किया, अब इसको एक ऐसे मोड़ लिया बीच में से। अब दोस्तों ऊपर की साइड में ऐसे राउंड करेंगे पॉकेट को, तो राउंड के लिए मैंने राउंड कटिंग कर ली और सेंटर में एक नोच लगा लेंगे। और अब दोस्तों थैली रखेंगे इसकी 6 इंच, तो यहाँ पे इसको ऊपर देख लीजिए 7.5 है तो नीचे 6 इंच अपने आप तैयार हो जाएगी थैली। तो ये अपनी साइड की जो गीजा पॉकेट होती है वो कट कर ली है मैंने। अब दोस्तों मैंने इस पे आपको पेस्टिंग करना बताऊंगा, कॉलर वगैरह जो भी अपने हैं वो सब चीज़ें इस पे लगाना बताऊँगा। तो अब आप सीधा रखते हुए सबसे पहले स्टैंड यानी कि बैन को चिपका लें इस तरीके से, सीधा कपड़े को करते हुए आप अपने हिसाब से देखकर सीधा कपड़े पे चिपका लीजिए, अच्छे से फ्यूजिंग कर लीजिए, इसके बाद में इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो थोड़ी दूर दोस्तों दो सूत का मार्जिन छोड़ते हुए आप ऊपर कॉलर भी चिपका लीजिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब कॉलर की टुकड़ियाँ हैं वो भी चिपका लीजिए बिल्कुल किनार पर, नोक के अकॉर्डिंग रखते हुए इसको चिपका लेना है। और ऐसे आपको बैन के नीचे लगभग 1.5 से 1.75 इंच मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। और अब कॉलर को ऐसे बिल्कुल नोक के बराबर से कपड़े को मोड़ना है और बिठा लेना है प्रेस से। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कॉलर चिप जाता है, कॉलर की फ्यूजिंग हो जाती है। तो अब दोस्तों इसको भी ऐसे कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको कट कर देंगे। तो ये कॉलर लग चुका है, अब आगे आपको बताते हैं इसके कफ और जो सामने में पट्टी वगैरह रहती है वो कैसे चिपकाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको कफ लगाना बता रहा हूँ, ऐसे कफ चिपका लिए, दोनों कफों को चिपका लेंगे लगभग नीचे की साइड में 1.5 से 1.75 इंच मार्जिन रखिए जो कि साथ में मुड़ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से इसको अच्छे से फ्यूज़ कर लेना है, चिपका लेना है, और नीचे का कपड़ा आप ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब ऐसे दोस्तों आपको फोल्ड करना है और ऊपर की साइड में थोड़ा कपड़ा निकलता रहे और इस तरीके से मोड़ लें ताकि बाद में सिलाई करें तो आसानी के साथ ऊपर की साइड में सिलाई कर पाएँ। अब दोस्तों इसको कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है। तो ऐसे दोस्तों कफ की फ्यूजिंग हो जाती है। अब दोस्तों अपने जो सामने में पट्टी बनती है उसके लिए जो दोस्तों ये बटन टेक होती है, बटन वाली पट्टी, इसको अपने 1.75 इंच से एक सूत कम में ही मोड़ देंगे, यानी कि 1/2 इंच से एक सूत ज़्यादा पे आपको इस तरीके से मोड़ लेनी है। तो दोस्तों बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होती इस तरीके से पट्टी बनाने में। तो दोस्तों ये पट्टी भी मैंने मोड़ लिया है। अब आपने
एक बाजू पट्टी रह गई है और एक ताबीज़ पट्टी रह गया है। तो अब दोस्तों इसको कपड़े को पहले मैं सीधा कर लेता हूँ क्योंकि ये कॉटन सूती है। तो अब दोस्तों पहले इस तरीके से ऐसे रखा और ताबीज़ पट्टी को चिपका लेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही करते हुए आपको इसको चिपकाना है इस तरीके से, और इस साइड में फोल्डिंग का मार्जिन रखना है और कट कर लेना है, और इस साइड में भी आपको सिंगल फोल्ड का मार्जिन रखना है और कट कर लेना है। तो अब दोस्तों इसको ऐसे मोड़ लेना है, देख लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। तो इस साइड में ऐसे मोड़ लेना है आपको। दोस्तों इसको ऐसे मोड़ने के बाद में आप जो इस साइड में एक पैर का मार्जिन रखना है, बाकी का कपड़ा कट कर देना है जो एक्स्ट्रा है। अब दोस्तों जैसे नीचे नोक है, नोक को नोक के आकार में मोड़ लेंगे, जो फ्यूजिंग कन्वर्स की नोक है उसी हिसाब से इसको तोड़ देना है, कपड़े को मोड़ लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने ताबीज़ पट्टी की फ्यूजिंग हो जाती है। अब अपने दोस्तों रही बाजू पट्टी की, बाजू चाक पट्टी होती है जो, उसके लिए आपको मैंने फ्यूजिंग पहले से कटिंग की हुई है कन्वर्स इस तरीके से 14 इंच लंबी और दोनों साइडों में नोक। इस साइड में दोस्तों डबल फोल्ड के लिए रखना है और ऐसे कट कर लेना है कपड़े को। इस साइड में सिंगल फोल्ड ऐसे कट कर लिया। अब दोस्तों इस साइड में से सिंगल फोल्ड कर लेंगे ऐसे बिल्कुल पेस्टिंग के बराबर। तो बिल्कुल बराबर कट किया और मोड़ लिया। इस साइड में भी अब मोड़ लेंगे, ये दोस्तों डबल हो गया क्योंकि अगली साइड दिखता है इसका मार्जिन। तो जैसे जैसे नोक है, नोक के आकार में इसको बिठा लेना है और इसको भी ऐसे ही नोक के हिसाब से बिठा लेना है ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपने बाजू पट्टी हो चुकी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको बाकी के कपड़े को कट कर देना है। तो दोस्तों ये बाजू पट्टी भी बन चुकी है। अब अपनी रही कुर्ते की पॉकेट, तो कुर्ते की सामने की पॉकेट को ऐसे कपड़े को लेना है। पहले आप एक थोड़ा मोड़ लीजिए और बाद में 1.25 इंच चौड़ा आप एक मोड़ लीजिए कपड़ा। अब ऐसे आपको कपड़े को सीधा करते हुए मोड़ लीजिए। अब दोस्तों आपको 5 इंच की पॉकेट लगानी है, तो 5.5 इंच ऐसे कट कर लीजिए। अब 5 इंच पे रखते हुए इसको मोड़ लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों इसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं से चौड़ा और कहीं से मोटा ना हो। तो 5.5 इंच ऐसे लंबी रखनी है पॉकेट। तो 5.5 इंच लंबी रखने के बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। ऐसे डब्बे के आकार में ये मुड़ चुकी है पॉकेट। अब दोस्तों ये शेप वाली फट्टी है, मैंने कट किया हुआ है फर्मा गुलाई के लिए। अब इसे गुलाई कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से बैठा लेना है, गुलाई कर लेनी है। और इसको अब ऐसे पलटा और इस साइड में बिल्कुल बराबर में रखा, चेक कर लीजिए, और ऐसे पकड़ते हुए इसको राउंड कर लेंगे पॉकेट को। तो दोस्तों कुर्ते में ऐसे पॉकेट राउंड लगाई जाती है फ्रंट में। तो दोस्तों ये पॉकेट राउंड हो चुकी है, अब अच्छे से बिठा लीजिए, यहाँ पे ये बैठ चुकी है। अब एक बार फ्रंट से प्रेस लगा लें और अच्छे से बैठ जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने कुर्ते का खर्चा रहता है। तो जो कि मैंने लगभग खर्चा लगा लिया है। अब एक जो बैक में तीरा है उसके लिए कटिंग करनी है, वो भी आपको बताते हैं, आगे वीडियो को आप देखते रहिए। तो दोस्तों पॉकेट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको बैक का तीरा लेना है, उसके लिए आपको कपड़ा लेना है, सीधी साइड को अंदर की साइड करें और ऐसे बराबर करते हुए रख लें और कपड़े को साफ़ कर लें। अब दोस्तों बैक ऐसे रखनी है कुर्ते की, क्योंकि तीरा मैंने दोस्तों इसमें साथ में ही कटिंग किया है, तो इसका तीरा ऊपर की साइड का लगेगा, यानी कि वी नोक का तीरा लगाएंगे इसमें। ऐसे कट कर लिया। अब ऐसे वी शेप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब दोस्तों दो सूत का इसको मोड़ लेना है, ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा मोड़ते हैं तो ये खिंचाव आता है इसमें जब इसको स्टिच करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से नोक अपने हिसाब से आप मोड़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये फ्यूजिंग हो चुकी है पूरी कुर्ते की। अब चलिए आपको इसकी आगे सिलाई करना बताते हैं। तो यहाँ पे ये कुर्ते के ऊपर अपने सारा फ्यूजिंग रख लेंगे जो की है, पहले तीरा बाद में पॉकेट और ये सब चीज़ें, कॉलर वगैरह सब
आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं आपको। तो दोस्तों फ्यूजिंग करने के बाद में अब आप देखिए कैसे स्टिचिंग करनी है इसकी। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए इसकी जो फ्यूजिंग की हुई है वो सब आप, ये पॉकेट हो गई, ये कॉलर हो गया, ये दोनों कफ हो गए, ये सामने की तावीज़ पट्टी होगी, ये बैक का तीरा होगा और ये पॉकेट होगी। तो चलिए दोस्तों अब पॉकेट से ही शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉकेट के ऊपर अपने जो एक सिलाई करते हैं वो सीधी साइड से सिलाई कर लेंगे बिल्कुल किनार के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से ये सिलाई करने के बाद में अब तावीज़ पट्टी के ऊपर सिलाई करनी है फ्रंट साइड में बिल्कुल किनार के ऊपर, क्योंकि दोस्तों बाद में ये सिलाई सही तरीके से नहीं लगती इसलिए अपने इसको पहले ही लगा लेते हैं। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में अब तावीज़ पट्टी कुर्ते की बनाएंगे पहले, और इसके बाद में उसका घेरा वगैरह दामन लोड़ना बताएंगे कैसे मोड़ा जाता है। तो अब दोस्तों आपको ऐसे उल्टी साइड कर लेनी है कुर्ते की। तो अब इसकी तावीज़ पट्टी बनाने जा रहा हूँ। तो अब देखिएगा दोस्तों, जो दोस्तों ये लेफ़्ट साइड की साइड में अपने दो सूत अधिक कटिंग किया होता है तावीज़ पट्टी के लिए, क्योंकि ये छोटा होता है। तो इसको पहले अपने एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। दोस्तों मैंने पहले ही खर्चे में बताया आपको इसको मोड़ना, जो कि बटन टेक होती है उसको। तो इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना और ऐसे कट करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अब दोस्तों अपने तावीज़ पट्टी यानी कि ये जिसमें फ्यूजिंग डाली है उसको लगाएंगे। दोस्तों इसका भी सेम उतना ही मार्जिन लेना है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई भी आप लोगों को कर लेनी है बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे दूसरी साइड में सिलाई की है। तो दोस्तों ये सिलाई इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद में ऐसे नाखून लगाना है और लव को एक साइड में फोल्ड कर लेना है, और इसके बाद में दोस्तों ऊपर ये जो अपनी बटन टेक होती है इसके ऊपर बिल्कुल किनार की सिलाई कर लेंगे सीधी साइड से। तो इस तरीके से दोस्तों अपने जो बटन टेक होती है वो बन जाएगी ताबीज़ पट्टी के नीचे जो बटन टेक रहती है वो। तो दोस्तों ये बन चुका है, अब अपनी ताबीज़ पट्टी को पूरा कर लेंगे यानी कि काज पट्टी को पूरा कर लेंगे। तो पहले दोस्तों लव पे नाखून लगा लिया जिससे कि ये आसानी के साथ फिनिशिंग में आ जाए। तो अब दोस्तों बिल्कुल किनार का करते हुए ऊपर सिलाई कर लेनी है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से सीख लीजिएगा कुर्ते की स्टिचिंग करना। मैं यकीनन कह सकता हूँ आप इस वीडियो को देखकर सीख जाओगे कुर्ते की स्टिचिंग करना। तो दोस्तों बिल्कुल सेंटर में आपको नोक रखनी है और ऊपर बिल्कुल किनार पे नोक के ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों अब नीचे से जो बटन पट्टी थी यानी कि बटन टेक है उसको सही करना है, और ऊपर ठोका सही से लगभग 1.5 इंच से 1.25 इंच के ऊपर आपको बांधना है। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ठोका, तो इसीलिए दोस्तों 1.5 इंच या 1.25 इंच पर आपको ठोका बांधना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसके बराबर हो तभी अपना कॉलर का हाला सही मिलता है, हाला सही बैठता है, क्योंकि दोस्तों जो ये तावीज़ पट्टी होती है ये सही बनेगी तो कॉलर का हाला सही बैठेगा। अब दोस्तों आपको ऊपर से 1.25 इंच पे पॉकेट के लिए मार्किंग कर लेनी है और 1.25 इंच इस साइड में ऐसे छोड़ते हुए तावीज़ पट्टी की साइड से 1.25 इंच पे मार्किंग करते हुए पॉकेट को अब सीधा लगा लेना है बिल्कुल ऊपर किनार की सिलाई करते हुए लगाना है। दोस्तों पहले इसका ठुक्का बांध लीजिए आप अच्छे से इस तरीके से, और अब इसको सही रखते हुए बिल्कुल किनार की करते हुए सिलाई आप ऊपर लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पॉकेट कुर्ते की लग जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते हैं और एक एक चीज़ तरीके से बताते रहते हैं, कटिंग सिलाई सब कुछ आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुर्ते की पॉकेट लग जाएगी और धागे वगैरह दोनों साइड से आप कट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में अब अपने कुर्ते का घेरा लेड़ना है, घेरा मोड़ना है। तो दोस्तों ये राउंड बॉटम का है, राउंड घेरे का है, गोल घेरे का है। तो अब दोस्तों यहाँ से आपको सिलाई करनी है, पहले दोस्तों एक कच्ची सिलाई करनी है यानी कि एक सिंगल में नहीं लेड़ रहे, डबल में लेड़ते हैं अपने घेरे को, क्योंकि अच्छा
डबल में घेरा लिट जाता है। बिल्कुल दोस्तों किनार की करते हुए इसको ऐसे सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो को तेज़ किया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। तो दोस्तों अब एक साइड का सिंगल वाला मुड़ चुका है। अब आपने पॉकेट के लिए पिकट लगे हुए हैं, वहाँ से आपको पॉकेट के लिए डबल करते हुए सिंगल बार में ही मोड़ लेना है। अब दोस्तों नीचे ऐसे घेरे को लेट लेना है। दोस्तों जितना ब्रीक हो सके आप उतना घेरे को ब्रीक मोड़िएगा। तो दोस्तों मैंने वीडियो इसलिए तेज़ किया है क्योंकि आप लोग घेरा तो लेट सकते हैं, मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इस साइड की पॉकेट के लिए भी आपको घेरा फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों घेरा मैंने कितना ब्रीक फोल्ड किया है, इस तरीके से कुछ अपना घेरा रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये ताबीज़ पट्टी और पॉकेट और घेरा ये फ्रंट साइड का हो चुका है। अब दोस्तों आपको बैक साइड का भी घेरा उसी तरीके से लेड़ लेना है जैसे अपने फ्रंट साइड का लेड़ा है। और दोस्तों आपको बैक में जो तीरा कटिंग किया उसको अटैच कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे आपको तीरे को अटैच करना है, बिल्कुल ऊपर की साइड से सही रखना है तीरे को और बिल्कुल किनार की करते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों नोक वाला अपना तीरा है यानी कि वी शेप का तीरा है, तो इस तरीके से अच्छे से आपको तीरे को स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो शेयर ना करना भूलिए अपने दोस्तों के पास जिनको सिलाई सीखनी है। अगर दोस्तों कोई लेडीज़ भी सीखना चाहती है तो उसके पास भी ये वीडियो पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों ये उसी तरीके से घेरे को मोड़ लेना है। अब दोस्तों मैंने उल्टी साइड का भी घेरा मोड़ लिया है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये पॉकेट के लिए और ये घेरा और ये तीरा लगा हुआ है। अब दोस्तों अपने जोड़ेंगे फ्रंट को बैक के साथ। अब ऐसे रखा तीरे को मिलाते हुए और ऐसे पकड़ा और इसको अब ऊपर की साइड से यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर किया और इसको ऐसे रखा और इसको ऊपर की साइड में ऐसे लेके आए। अब यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से पक्का करना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है। ऐसे आपको इसको तीरा जोड़ लेना है, इसी तरीके से दूसरी साइड का भी तीरा जोड़ लेना है। दोस्तों इससे पहले मैंने कुर्ते की कटिंग करना भी बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वीडियो को एंड में स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा आपको वीडियो। अब दोस्तों इसको भी उसी तरीके से जोड़ लेना है, बिल्कुल बराबर किया और इस तीरे को भी उसी तरीके से बराबर करते हुए जोड़ लेना है अच्छे से। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अब दोस्तों तीरे को सही कर लेंगे और ऊपर तीरे के नाखून लगा लेंगे जिससे कि ये फिनिशिंग में आ जाए। कुछ लोग दोस्तों इसके ऊपर भी सिलाई कर लेते हैं पर बट हम लोग नहीं करते सिलाई, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब दोस्तों इसका कॉलर बनाएंगे और कॉलर को लगाएंगे। तो अब दोस्तों कॉलर को ऐसे बनाना है, तो आप पहले कॉलर को देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे बना रहा हूँ। दोस्तों बिल्कुल सुई भर की दूरी बनाते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है कॉलर के ऊपर और इस साइड में बिल्कुल बराबर कॉलर की पेस्टिंग के सिलाई करनी है और पेस्टिंग तक ही सिलाई करनी है। अब दोस्तों इसको ऊपर की साइड में बराबर कट कर लेंगे इस तरीके से जैसे अपने मार्जिन का कपड़ा रखा हुआ है वो रखते हुए। अब सेंटर में नोच भी लगा लेंगे क्योंकि नीचे का कपड़ा भी काम लेंगे अपने कॉलर को बनाने के लिए। अब दोस्तों जो ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे इस तरीके से और इस साइड का भी कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब दोस्तों कॉलर को पलट लेंगे इस तरीके से, कॉलर को पलटना है और नोक को अच्छे से निकाल लेंगे और इस साइड की भी नोक को अच्छे से निकाल लेंगे। तो दोस्तों नोक निकालने के बाद में अब अपने आपको क्या करना है, कॉलर के ऊपर सिलाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलाई को किस तरीके से करना है, ऐसे आपको एक पैर की दूरी बनाते हुए आपकी सिलाई कर लेनी है ताकि देखने में भी अच्छी लगे सिलाई, और बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है जैसे कॉलर की कटिंग की हुई उसी हिसाब से, और लव आपकी कॉलर की नीचे की साइड में ही हो यानी कि फ्रंट की साइड में ना दिखाई दे, और इस साइड में सिलाई को पूरा कंप्लीट स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों ये सिलाई लगने के बाद में अब कॉलर का सेंटर बना लेंगे और बैन में सेंटर बनाया हुआ है, अब बैन के नीचे कपड़ा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से यानी कि स्टैंड के बराबर बराबर इस कपड़े को मोड़ लेना है इस तरीके से, इस पर सिलाई कर लेनी है।
दोस्तों चाहे तो आप प्रेस से भी इसको मोड़ सकते थे, बाद में भी आपको सिलाई करना पड़ता इस पर, चाहे प्रेस से मोड़ लेते चाहे आप ऐसे मोड़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप कैसे काम करना चाहते हो इस पर। तो दोस्तों सेंटर में नोच लगी हुई है और इसके सेंटर में भी नोच लगी हुई है। अब आपको ऐसे कॉलर के पहले नीचे कपड़ा रखना है, बाद में कॉलर रखना है और ऊपर बैंड रखना है, और इसके बाद में सेंटर से आपको सिलाई शुरू करनी है। और अब दोस्तों पेस्टिंग से सुई भर की दूरी बनाते हुए सिलाई करनी है ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल बराबर में सिलाई करनी है पेस्टिंग के, और ऐसे वापस लाते हुए वापस सिलाई करते हुए आना है। अब इस साइड की सिलाई को पूरा कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, ऐसे, और ये ऐसे। अब यहाँ पे जो ठुका है उसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे और ये वापस ऐसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने कॉलर को बनाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा है पैन की साइड में उसको कट कर लेंगे, और इसके बाद में ऐसे करते हुए कॉलर को पलट लेंगे। इस साइड में भी इसी तरीके से कॉलर को पलट लेना है, और जो बैन की नोक है उसको पूरा निकाल लेना है, और इसके बाद में आपको कॉलर के ऊपर स्टंट के ऊपर ऐसे नाखून से फिनिशिंग के साथ सेट कर लेना है, और ये नोक को अच्छे से निकाल लें जिससे कि आपका कॉलर देखने में अच्छा लगे। अब उल्टी साइड में ऐसे भी आपको कपड़े की लव सही करते हुए नाखून लगा लेना है। अब दोस्तों ऊपर स्टंट से कॉलर के बराबर आपको सिलाई करनी है एक पैर की ऐसे। तो दोस्तों ये सिलाई लगने के बाद में अपना कॉलर एकदम प्रॉपर तैयार है। आप लोग देख लीजिए कॉलर कैसा बना है। अब दोस्तों जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए बाकी कपड़ा कट कर देना है। तो दोस्तों कॉलर अपना इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। अब दोस्तों एक सेंटर में नोच लगा लेंगे कॉलर की, ऐसे सेंटर बनाया और नोच लगा ली है। तो दोस्तों कॉलर अपना बन चुका है, अब अपने कॉलर को लगाएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसे ताबीज़ पट्टी को पकड़ना है, और जो नीचे बटन टेक है उसको भी बराबर में पकड़ना है, और ऐसे आपको हाले को सही कर लेना है। अब हाले को आपको ऐसे नाप लेना है, नापने के बाद में आपको जितना सेंटाई आता है उतना सेंटाई कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ताबीज़ पट्टी थोड़ी कट ज़रूर करनी है, अगर आप कट नहीं करोगे तो ये कॉलर सही नहीं बैठता कुर्ते का। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कॉलर के लिए हाला कट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे नाप लीजिएगा, ये बिल्कुल बराबर है। अब कटिंग करने के बाद में, सेंटाई करने के बाद में अब इसको लगाएंगे। तो ये देखिए कॉलर को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे ताबीज़ पट्टी के कॉलर को, और ऐसे सिलाई करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल जितना मार्जिन छोड़ा है उससे सुई भर ज़्यादा लेंगे अब, क्योंकि बाद में सिलाई बाहर की साइड में ना दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेते हैं। अपने एक पैर का छोड़ा था मार्जिन, तो उससे थोड़ा सा अधिक ले रहे हैं, और सेंटर में सेंटर मिलना चाहिए, तीरे में जो कट लगा हुआ है सेंटर का वो, और जो कॉलर में कट लगा हो वो दोनों मिलने चाहिए, और इसके बाद में आपका कॉलर बिल्कुल सही आएगा। और ऐसे ही करते हुए आपको सिलाई को पूरा कर लेना है, जैसे जितना मार्जिन छोड़ा है उतना मार्जिन लेते हुए, और बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पे पकड़ना और ऐसे सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से कॉलर अपना लगाएंगे। इसके बाद में जो धागे हैं उनको कट कर लेंगे, और इसके बाद में ऐसे इसको पलट लेंगे कॉलर को उसके ऊपर, और इस साइड में भी इस तरीके से ऐसे किया और ऐसे कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों बिल्कुल सेंटर में से आपको सिलाई करनी है। तो बिल्कुल सेंटर में से मैं कॉलर की सिलाई कर रहा हूँ, और दोस्तों ऐसे पकड़ते हुए इसको सही करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे दोस्तों जो कॉलर होता है इसका बाहर की साइड में दबाव ना दिखाई दे, तो मैंने नुकीली चीज़ का यूज़ करते हुए अंदर करते हुए सिलाई कर ली है। अब दोस्तों बिल्कुल स्टैंड के किनार के ऊपर सिलाई करते हुए पूरी सिलाई को करेंगे कॉलर की ऊपर की साइड में। तो देख लीजिए मैं कैसे सिलाई कर रहा हूँ। अब दोस्तों बिल्कुल ऐसे इसको सही करते हुए सिलाई को करेंगे, यहाँ पर सही किया और ऐसे आपको सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो अब दोस्तों सिलाई यहाँ से शुरू की थी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, और कॉलर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से अपना कॉलर लग के कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों अपना कॉलर लगता है कुर्ते में। तो ये देखिए दोस्तों कॉलर कितना फिनिशिंग के साथ लगा है अपना, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। अब दोस्तों आपको ऐसे कुर्ते की साइडें जोड़नी हैं। तो दोस्तों इसको उल्टी साइड से आपको ऐसे मिलाया और ऊपर का आर्म होल मिलाया, और ऐसे सिलाई कर लेनी है।
बिल्कुल सही करते हुए दोस्तों आपको ऐसे सिलाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो घेरा मोड़ा हुआ है उससे एक पैर नीचे ही सिलाई आपको कर लेनी है, और इस साइड में बिल्कुल बराबर पकड़ा और ऐसे रखा, और यहाँ पे आपको दो सूत नीचे तक सिलाई हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से आपको अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेना है। स्टार्टिंग में और एंड में सिलाई को पक्का ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से एक साइड जुड़ जाती है, इसी तरीके से दूसरी साइड को भी जोड़ लेते हैं अपने। तो नीचे से जो दामन मोड़ा हुआ है घेरा उसको बराबर किया और ऐसे पक्का करते हुए सिलाई को कर लेंगे, और ऐसे यहाँ पॉकेट के लिए सिलाई को कर लिया और पक्का कर लिया, और यहाँ पे ऊपर की साइड में सिलाई को पूरा कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना कुर्ते की बॉडी बन जाती है पूरी कंप्लीट कॉलर लगने के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ऐसे अपना कुर्ता बन चुका है। अब दोस्तों अपने बाजू पट्टी, पहले बाजू पट्टी लगाएंगे और बाजू को बनाएंगे, इसके बाद में आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए उल्टी साइड से आपको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे इस सिलाई को पूरा कर लेना है। अब दोस्तों जो बाजू पट्टी के लिए फ्यूजिंग की थी अब उसको लेंगे। एक साइड का मैंने पीस कट कर लिया है, अब ऐसे इसको रखा इसके ऊपर और एक पैर का मार्जिन छोड़ा हुआ है उसे थोड़ा सा अधिक मार्जिन लेते हुए अब सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों ये इस तरीके से सिलाई करने के बाद में लव को ऐसे मोड़ेंगे और ऊपर की साइड से आपको ऐसे सिलाई कर लेनी है अब इसके। तो दोस्तों देख लीजिए मैं कैसे इसको बना रहा हूँ, बिल्कुल सही करते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई करनी है। जैसे दोस्तों नोक है, नोक के हिसाब से उसी हिसाब से किनार की सिलाई करनी है आपको। तो दोस्तों ये 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच का आप ठुका बांध सकते हैं। तो दोस्तों मैं लगभग 1.5 इंच का ठुका ये बांधता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी ये तैयार हो जाती है बाजू पट्टी, और इस तरीके से ही दूसरी बाजू को आपको तैयार करना होगा। दोस्तों मैं एक ही बाजू बनाना बता रहा हूँ, दूसरी भी सेम इसी तरीके से बनेगी। अब दोस्तों बाजू की सिलाई कर लेंगे उल्टी साइड से पूरी इस तरीके से, और ऐसे सिलाई को पूरा कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे बाजू बन के तैयार है, अब आगे इसका कफ लगाना बताएंगे इंटरलॉक निकालने के बाद में। तो दोस्तों अब अपने आपको कफ पे सिलाई लगा के बताते हैं और कैसे मार्किंग करनी है वो बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिलाई कर लेनी है इस तरीके से, और अब दोस्तों आपको यहाँ पे जब पेस्टिंग है उसके बिल्कुल बराबर मार्किंग करनी है, और इस साइड में बिल्कुल बराबर मार्किंग करनी है, और इसको मिलाना है और एक सेंटर में कट लगा लेंगे। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में अब आपको एक पॉकेट बना के दिखाते हैं, गीजा पॉकेट जो साइड में गीजे वाली पॉकेट लगती है। तो अब दोस्तों इसको ऐसे जैसे कटिंग किया आपने देखा होगा, अब ऐसे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों धागा निकला, धागे को मैं डाल लेता हूँ जल्दी से, और इसके बाद में आपको पॉकेट बनाना बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से सिलाई को कर लेना है, और इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों ये सिलाई करने के बाद में अब आपको इसको पलट लेना है, इस तरीके से आपको पलटना है, और जो नोक है नोक को निकाल लेंगे पूरा अच्छे से, और अब दोस्तों इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे, एक इतना मार्जिन मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे जैसे इसको कट किया हुआ बिल्कुल सेंटर में सेंटर बने ऐसे पूरा पॉकेट को बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी पॉकेट बन जाती है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी साइड की पॉकेट भी आपको बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉकेट बना ली है अब अपने, मैंने यहाँ पे इंटरलॉक निकाल लिया है। अब इंटरलॉक निकालने के बाद में आपको स्लीव को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे स्लीव को मैंने सीधा कर लिया है बाजू को। अब दोस्तों ऐसे आपको ये नाखून से सेट कर लेना है और इसको बाद में ऐसे सही कर लेना है। अब दोस्तों ऐसे आपको बाजू पट्टी के बराबर करते हुए बिल्कुल सही कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे सेट किया है इसको, और इसके बाद में सीधा करते हुए कट कर लेंगे और सेंटर में एक नोच लगा लेंगे। तो दोस्तों मैंने कफ आपको पहले ही मार्किंग लगाना बताया है, तो अब कफ लगाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल निशान के बराबर अपने सिलाई लगा लेंगे,
और जितना मार्जिन नीचे छोड़ा है कफ को जोड़ने के लिए उतना मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। अब ऐसे बाजू को साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर मिलाया, जितनी प्लेट आई प्लेट डाल ली, और इस साइड में जितना मोड़ा हुआ है उतना मोड़ लेंगे और ऐसे इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दूसरे कफ को भी सेम इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे मैं एक ही बता रहा हूँ कफ लगाना, क्योंकि दूसरा सेम इसी तरीके से ही लगेगा। तो ऐसे नाखून लगाने के बाद में अब इसको सुई भर की दूरी बनाते हुए पेस्टिंग से आपको ये जैसे जैसे कफ है अपना राउंड उसी हिसाब से सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से अच्छे से आपको सिलाई को पूरा करना है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सिलाई को किनार पे एंड पे पक्का कर लेना है, और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिएगा ऐसे, और इसके बाद में आपको कफ को पलट लेना है। इस तरीके से कफ को पलटने के बाद में ऊपर से आपको सिलाई करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल किनार पे सिलाई करनी है, और यहाँ पे बाहर की साइड में मार्जिन ना दिखाई दे और अंदर की साइड में करते हुए सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर कफ के एक पैर की सिलाई करनी है, और जैसे जैसे राउंड है कफ उसी हिसाब से राउंड सिलाई को कर लेना है, और इस साइड में भी उसी तरीके से सेम सिलाई को कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना कफ लग जाता है। मार्जिन जो दिखाई दे रहा था बाहर की साइड में उसको अंदर करना है और पक्का करते हुए ऐसे सिलाई कर लेनी है पूरी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने कफ को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी कफ और बाजू पट्टी सब सेम होता है, तो इसलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं एक पे ही दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। तो यहाँ पे ये देखिए कफ कुछ इस तरीके से लगा, और ऐसे ये प्लेट रहेगी। तो अब दोस्तों स्लीव को अटैच करेंगे, वो देखिए कैसे करना है। ऐसे स्लीव को सही कर लिया, और अब अपने कुर्ते का आर्महोल से नाप लेना है। तो अब दोस्तों पहले इसको पलट लेंगे, उल्टी साइड से सीधी साइड में कर लेंगे। दोस्तों मैंने इसको भी इंटरलॉक निकाल लिया था। तो अब दोस्तों स्लीव को अटैच करेंगे, बाजू को जोड़ेंगे इसके साथ। कैसे जोड़ना है पहले आप इसको नाप लीजिए। दोस्तों जैसे मैं कटिंग करता हूँ तो कटिंग के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही आता है। अब दोस्तों जो मार्जिन है इसका जो जोड़ा हुआ है उसको उल्टी साइड में करना है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों इसको ऐसे उल्टी साइड में करना है, और स्लीव वाला अगली साइड में करना है आगे की साइड में, और सही करते हुए बराबर करते हुए अब पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल सही करना है और सिलाई कर लेनी है अच्छे से ऐसे, क्योंकि दोस्तों मेरी स्लीव जो होती है वो आर्महोल के बिल्कुल बराबर कट किया होता है। ऐसे करते हुए इसकी सिलाई पूरी कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से स्लीव अपनी लग जाती है, और दोस्तों मैं यहाँ पे डबल सिलाई करता हूँ ताकि जब अपने यहाँ पे पसीना वगैरह आए तो उससे ये धागा कटे नहीं, इसलिए डबल सिलाई करता हूँ कि जल्दी से कुर्ता अपना ख़राब ना हो, यानी कि उखड़े नहीं ये सिलाई। डबल सिलाई करना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई कर लिया, इस तरीके से ही दूसरी स्लीव लगेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों किस तरीके से स्लीव लगी है, और सेंटर में ये बिल्कुल सेंटर की सिलाई नीचे की मिली है। अब दोस्तों अपने पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट देखिए कैसे लगानी है। इस पर जो दोस्तों राइट साइड होती है उस साइड अपने मार्जिन नहीं रखते, उल्टी साइड में यानी कि पीछे वाली साइड में मार्जिन को फोल्ड करते हैं। तो दोस्तों मैंने पीछे की साइड में मार्जिन फोल्ड किया, अब पॉकेट का सेंटर बना लूँगा एक ऐसे। अब इसको ऐसे रखा सेंटर को, और इस तरीके से सिलाई करनी है आपको। ऐसे पॉकेट को रखना है और सिलाई को इस तरीके से कर लेना है। तो दोस्तों ये सिलाई ऐसे करने के बाद में अब अपने पॉकेट के ऊपर की साइड में ऐसे सिलाई करनी है, और नीचे पॉकेट का मुंह खुला नहीं रहे इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉकेट को सही करना और सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। और जैसे ये राउंड मोड़ी हुई है उसी हिसाब से इस सिलाई को पूरा कर लेंगे, और यहाँ पे पॉकेट अपनी लग चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी पॉकेट भी लगानी है सेम। तो ये पॉकेट लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों जो मार्जिन किया था ये दोनों एक साइड में ही होना चाहिए, यानी कि कुर्ते की बैक साइड की तरफ। ये देखिए दोस्तों अपनी पॉकेट कितनी शानदार तरीके से लगी है, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड की पॉकेट भी लगानी है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आप,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको एक रेव कपड़ा लेना है और टुकड़ी लगानी है। तो यहाँ पे मैं रेव कपड़ा ले लिया है और ऐसे एक सिलाई लगा लेता हूँ पहले इस पर। अब दोस्तों यहाँ पे एक टुकड़ी लगानी है जहाँ पे अपने घेरे को जोड़ा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि जब ये टाइट फिटिंग में होता है तो यहाँ पे खींचने से ये उखड़ जाता है। तो अब दोस्तों ये ऐसे आप टुकड़ी लगा लोगे तो ये नहीं खींचेगा और उखड़ेगा नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कुर्ता पूरा कंप्लीट बनाना बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में।